विराम महल दरबार में रंगभरी ग्यारस के अवसर पर निशान यात्रा खाटू श्याम बाबा के दिव्य ज्योत के हुए दर्शन। उज्जैन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भैरवगढ़ मार्ग पर स्थित राम महल दरबार में फागुनी एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा पिपली नागा चौराहा से आरंभ हुई, जो कि राम महल दरबार पहुंची। हजारों की संख्या में भक्तों ने निशान उठाकर बाबा के जयकारे लगाए और बाबा के जयकारों के साथ बाबा को निशाना चढ़ाया। इसके पश्चात बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया एवं 56 भोग लगाया गया। संध्या को खाटू श्याम की भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें फूलों की होली एवं गुलाल की होली खेली गई। हजारों भक्त इसके साक्षी बने रहे। यहां पर भंडारे का आयोजन दिन भर सतत जारी रहा। मंदिर के संस्थापक अंजनी सखी नीतू दीदी बाबा साहब ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यह आयोजन हर वर्ष 15 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। हमेशा यह आयोजन और भव्य होता जा रहा है। इस बार बच्चों के लिए मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें बच्चों ने आकर्षक झूलों का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर उज्जैन ही नहीं, देश भर में भक्त वर्ष भर यहाँ आते हैं एवं दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राम दरबार में आज सुबह से पहले तो आनंद मेला का उत्सव मना रहा। जैसे सुबह हुआ, प्रातःकाल आरती हुई, भक्तों का मेला लगा रहा। उसके बाद भगवान खाटू श्याम जी का श्रृंगार हुआ। खाटू श्रृंगार के बाद आरती माह हुई। आरती के बाद भोजन की शादी और प्रसाद हुआ और आनंद मेला का भव्य रूप से बच्चों ने आनंद लिया। उसके बाद हम लोगों ने पिपली नाके से निशान लेकर राम महल तक आए और बड़े इच्छा से सब यहाँ पे सिटी वालों ने भी हमारा उससे बाबा साहब लगभग ये धार्मिक आयोजन कितने वर्षों से चल रहा है? ये 15 साल से। अभी कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? यहाँ से ये तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कलकत्ता से भी है, जयपुर से भी है, पुणे से भी है, सूरत से भी है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। और यहाँ आते हैं महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आते हैं, गुजरात से काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने, और यहाँ से उनकी मान्यता भी पूरी हुई है। निशान लेकर पैदल यात्रा भी आते हैं और नारियल लेकर भी कई भक्त की यहाँ मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पर भंडारा आयोजन भी चल रहा है, काफ़ी भक्त यहाँ पर अभी बरसाती का लाभ ले चुके हैं। लगभग कितने भक्त यहाँ पर बरसाती का लाभ ले चुके हैं? यहाँ से कम से कम 2,500 भक्त भोजन प्रसादी सुबह से ले चुके हैं। सुना जाता है कि समस्या हम भक्तों की रहती है और समाधान बाबा साहब करते हैं। ये सब जानकी मैं का आशीर्वाद देगा। भक्त यहाँ आते हैं और सबके यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और शनिवार मंगलवार भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और सबके काम होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से यहाँ पर दरबार होता है और उसमें सभी के काम होते हैं। खाटू श्याम जी का हर 11 को यहाँ की जब भजन संध्या भव्य रूप में होती है और हजारों लाखों के रूप में मतलब भक्त यहाँ पे आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और 11 के दिन यहाँ पर भंडारा भी होता है, शनिवार मंगलवार भी भंडारा होता है। होली का पर्व नज़दीक है और आज होली का पूरा माहौल देखा गया है। यहाँ पर फूलों की होली, गुलाल की होली खेली गई है। 15 साल से यहाँ पर फागुत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और फागुत्सव में यहाँ होली के रूप में फूलों के रूप में खूब गुलाल और खूब से खूब आनंद लेते हैं। उज्जैन से संवाददाता नीलेश मालवे की खास रिपोर्ट।